अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी देगी मुरादाबादी बिरयानी किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 2 kg बासमती राइस, 2.5 kg चिकन, 4 लार्ज साइज अनियन, 2 tablespoons होल गरम मसाला, 1/2 kg योगर्ट, 1 cup डालडा घी, 2 tablespoons वाइट विनीगर, 20 ग्रीन चिलीज पेस्ट, 3 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon 4 सीड्स ऑफ मेलन्स, 1/2 teaspoon येलो फूड कलर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 teaspoon बिरयानी एसेंस। घी को गर्म करके इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। और साथ ही साबुत गरम मसाला डाल देंगे। जीरे को हम बाद में डालेंगे। और प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए प्याज को मैंने फ्राई किया है, ये बहुत हल्की हल्की अभी लाइट ब्राउन होनी शुरू हुई है। इस स्टेज पर मैं ये जीरा डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और जो चारों मगज मैंने अभी आपको बताए थे उसको ग्राइंड करके डाल दूँगी और अब इसको थोड़ा सा भूनूँगी। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी और इसको भी फ्राई करूँगी। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं योगर्ट को फेंट कर डाल दूंगी। और अब दही का पानी जो है वो अच्छी तरह खिसक कर लूंगी। दही के पानी को खुश करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये नमक डाल दूंगी। चिल्ली पेस्ट डाल दूंगी और सिरका डाल दूंगी और अब इसको 1-2 मिनट तक और भूनूंगी। चावल को पकाने से पहले मैंने ये 15 मिनट भिगो के रख दिया है। चिल्ली पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं चावल गलाने का पानी डाल दूंगी। अब इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावलों को डालने के बाद अब इसके अंदर मैं ये बिरयानी एसेंस डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आप नमक भी चख सकते हैं। अब इसको ढककर हम दरमियाने आंच पर पकाएंगे जब तक पानी थोड़ा सा इसमें बच जाएगा। का पानी जो है वो खुश्क हो गया, अभी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी बचा है। इस स्टेज पर मैं ये कलर जो है इसके अंदर डाल दूंगी। इसको पानी में घोल कर नहीं डालना, इसी तरह ही डालना है और फिर 5 मिनट का एक गीले दस्तरखान से दम लगा दूंगी। कलर डालने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट का दम लगा दूंगी। अब मैं इसे टिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, देगी मुरादाबादी बिरयानी अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। आप इसको इसी तरह बना कर खाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.